अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो ये टॉपिक है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। तो आपने इस टॉपिक को नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आज क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक कॉपी ले लेनी है, और जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको अपने पास लिख लो। हमेशा आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट याद रहेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भाई देखो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है कि एक वेव का दूसरे वेव के ऊपर आ जाना। सिंपल सी बात है। आपको अगर कोई कहे कि इंटरफेरेंस क्या है, एक वेव का दूसरी वेव के ऊपर आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, तसव्वुर करो ये एक वेव थी, ये दूसरी वेव आ गई, तो ये क्या हुआ? इंटरफेरेंस। और लाइट की वेव थी तो क्या कहलाया? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जिंदगी भर याद रखोगे, बस इस चीज़ को दिमाग में रखो, पूरा टॉपिक अब क्लियर हो चुका है आपके लिए। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि एक वेव थी, उसके ऊपर दूसरी वेव आ गई, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अभी यही चीज़ आगे भी पढ़ोगे। अच्छा, इसको एक और चीज़ भी बोलते हैं, हमने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब एक के ऊपर दूसरी चीज़ आ जाना, एक ही बात है, सिनोनियम समझ लो। ठीक है, अब ज़रा देखो होता किस तरह से है, अब विजुअलाइज कर लो इसको। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक वेव थी, ये एक वेव थी। अच्छा, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये किस तरह बनाई है ये भी सिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर यहाँ तक आपको मिलता है बुक्स वगैरह में, ये नहीं मिलता पार्ट, तो ये भी सिखा दूंगा। फॉर एग्जांपल, ये एक वेव थी, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरी वेव आ गई, यहाँ से स्टार्ट हुई पर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये क्या हो गया आपके पास? इंटरफेरेंस हो गया। देखो, आपके पास ये वाली वेव थी, पहली वाली वेव थी, अब इसी के ऊपर दूसरी वेव आ गई, तो क्या हो गया आपके पास? इंटरफेरेंस हो गया, एक वेव के ऊपर दूसरी वेव आई। चलो, समझ में आ गई ना बात बहुत अच्छी तरह से, माशाल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं, अब इंटरफेरेंस को थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लेते हैं कि बुक में इन्होंने क्या लिख के दिया है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव जो है लाइक इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव अगर आपने पढ़ा है तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव भी आप इजीली समझ लोगे, ये भी सेम चीज़ है। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी था आपको। अच्छा, इज़ अ मैनिफेस्ट्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब एक का दूसरे के ऊपर आना, एक का दूसरे के ऊपर आ जाना। ठीक है, विच से डेट। अच्छा, अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा? जब एक वेव दूसरे के ऊपर आएगी तो क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, तसव्वुर करो आप खड़े हुए हो और आपके ऊपर मैं कोई वज़न रख दूँ, तो क्या होता है? आपका वेट बढ़ जाता है ना, यानी आपका भी वेट हो गया और अब ऊपर जो आपके वज़न आ गया उसका भी वेट आ गया, यानी वेट बढ़ा। एक चीज़ दूसरे के ऊपर आई तो वेट बढ़ा। जब एक वेव दूसरे वेव के ऊपर आएगी तो क्या बढ़ जाएगी? इंटेंसिटी या तो बढ़ जाएगी। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हुई तो ये हो जाएगा आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर डिक्रीज हुई तो ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आ रही है? बेसिकली सम हो रहा होता है, एक वेव जब दूसरी वेव पर आएगी तो वेव लेंथ का सम हो रहा होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। देखो लिखा हुआ है, द नेट वेव लेंथ एम्पलीट्यूड। अगर वेव लेंथ या इंटेंसिटी आपके पास एट एनी पॉइंट ड्यू टू टू और मोर वेव्स इज़ द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच इंडिविजुअल वेव। तो अगर एक वेव दूसरी वेव से मिली तो या तो इंटेंसिटी बढ़ेगी और सम होगी, यहाँ बढ़ाने के लिए सम करा जाएगा, तो अगर सम हो गई तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। अब ज़रा मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब देखो, इंटरफेरेंस होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बिरयानी बनानी है, तो क्या बिरयानी आप आटे से और गंदम से बना लोगे? आप बोलोगे सर बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास तो चावल ही नहीं है, गोश्त ही नहीं है, और इसके अलावा मसाले ही नहीं है, और चिकन नहीं है। बिल्कुल सही। तो अगर बिरयानी बनाने के लिए आपको सही इंग्रेडिएंट चाहिए तो इंटरफेरेंस करने के लिए आपको सही कंडीशन चाहिए। अगर वो कंडीशन नहीं है, समझ लो वो इंग्रेडिएंट नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं, तो आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब देखो, आपने खुद जवाब दिया है। ठीक है, चलो, अब देखो पहली कंडीशन याद रखना, टू कोहेरेंट सोर्स, अब देखो कोहेरेंट का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहे, यानी वेव वन और वेव टू की फ्रीक्वेंसी सेम रहे।
फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक सोर्स है, एक अलग सोर्स है। सोर्स क्या है? जो कि आपके पास लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसे सोर्स कहोगे आप, ठीक है। ये जो सोर्स है, इसने आपके पास एक वेवलेंथ प्रोड्यूस की, ठीक है, एक वेव दी आपको। इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? एक सेकंड में एक वेव आई है, ठीक है। तो दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी भी इतनी ही होनी चाहिए कि एक सेकंड में एक वेव आए। तो कोहेरेंट का मतलब क्या है? सेम फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिख लो, सेम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब यहीं पर आके बात ख़त्म नहीं हो जाती, सेम फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। यानी दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो, अगर फ्रीक्वेंसी अलग होगी, यानी एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दूसरे की फ्रीक्वेंसी कम, तो ये दोनों वेव्स आपस में मिल नहीं पाएंगी। यानी फॉर एग्जांपल समझो, ऐसा होता अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में एक है और इसकी एक सेकंड में दो हो जाए, यानी ऐसे। तो अब देखो डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपस में नहीं मिल पाएंगी सही तरह से और आपको इंटरफेरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो सेम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जो है आपका फेस का डिफरेंस होना भी सेम है। अब फेस का डिफरेंस होने का मतलब बताता हूँ ज़रा मैं। यहाँ देखो, अब ये इस तरह से है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से शुरू हुई थी, ज़ीरो से शुरू हुई, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, लेकिन ये यहाँ से शुरू हो तो फेस का डिफरेंस कितना आ गया? ये यहाँ ज़ीरो से शुरू हुई थी और ये यहाँ शुरू हुई है, यहाँ होता है आपके पास लेमडा अपॉन टू, वन अपॉन लेमडा अपॉन वन अपॉन टू लेमडा, और यहाँ होता है लेमडा। तो फेस का डिफरेंस कितना हो गया आपके पास? फेस का डिफरेंस कितना हो गया? ठीक है, फेस डिफरेंस हो गया आपके पास लेमडा माइनस ज़ीरो, तो ये आ गया आपके पास फेस डिफरेंस, जो है आपके पास लेमडा आ गया। तो अब फेस डिफरेंस सेम रहना चाहिए। कंडीशन क्या है? दो कंडीशनें हैं, एक तो सेम फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए और फेस का डिफरेंस सेम, यानी हर बार डिफरेंस लेमडा आना चाहिए, हर बार डिफरेंस लेमडा। लेमडा क्यों आ रहा है? देखो, इसी वेव को मैं अगर यहाँ बना दूँ तो ये ऐसे बनेगी, है ना, ऐसे बनेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फेस कितना हो गया? लेमडा। और यहाँ कितना है? ज़ीरो। तो पहली वाली का फेस ज़ीरो था, दूसरी वाली का लेमडा, तो लेमडा माइनस ज़ीरो, फेस डिफरेंस लेमडा। तो फेस डिफरेंस सेम रहना चाहिए। देखो, फेस डिफरेंस मैंने समझा दिया। फेस क्या होता है? पोजीशन, वेव की पोजीशन। अभी क्या पोजीशन है? लेमडा पर है। यहाँ क्या पोजीशन है? ज़ीरो पर है। समझ गए ना फेस को? चलो, बस ये बात अच्छी समझानी थी, बाकी अब आपको इंशाल्लाह आगे मुश्किल नहीं होगी। डायग्राम्स बनाते रहो, बात समझते रहो, डायग्राम्स छोड़ोगे बात नहीं समझ में आएगी। अच्छा, अब समझ लो थोड़ा सा आगे का टॉपिक अपना। एक और जो कंडीशन है वो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट कह लो या मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कह लो, एक ही बात होती है। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? दोनों वेव मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव। अच्छा, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब होता है वेवलेंथ, यानी सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। आपको पता है ना कि हमारे पास जो कलर होता है उसके अंदर एक रेंज होती है वेवलेंथ की। यहाँ आपको सिंगल वेवलेंथ चाहिए, यानी एक वेवलेंथ होनी चाहिए, वेवलेंथ की कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। तो सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो, दोनों लाइट सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए, अलग अलग रेंज ना हो वेवलेंथ की, ठीक है। तो मोनो का मतलब है सिंगल और क्रोमेटिक का मतलब है एक वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ की लाइट। यानी अगर पीली कलर की लाइट है तो पीली कलर की लाइट होनी चाहिए। अब वेवलेंथ अगर सिंगल है, देखो वेवलेंथ की वजह से कलर में डिफरेंस आ रहा होता है, हमने पढ़ा था पीछे विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। तो अगर वेवलेंथ अलग है तो अलग कलर होगा, तो सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर सिंगल वेवलेंथ होगी, दोनों लाइट की सिंगल वेवलेंथ है, फॉर एग्जांपल इसकी वेवलेंथ सिंगल है, ये इस तरह से सिंगल आ गई वेवलेंथ, और इसकी भी वेवलेंथ सिंगल है, तो समझो येलो कलर आ रहा है आपके पास, येलो कलर आ रहा है, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। ये अक्सर बच्चे रट लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है सिंगल वेवलेंथ,
एक वेवलेंथ होनी चाहिए, कोई और वेवलेंथ की वैल्यू ना हो, सिर्फ एक वैल्यू हो, जैसे कि 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर ही रहनी चाहिए, 5.2, 5.3 इस तरह वैल्यू नहीं बढ़नी चाहिए, सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, समझ गया। अब बस, अब बातें सारी क्लियर हो गई हैं, अब जस्ट चलो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे चलो। अब वेट नहीं करते हैं, अब मैंने सारी डिटेल समझा दी है, अब यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था मैं आपको ये ज़रा ये लाइन बनाना सिखा दूंगा, तो ये लाइन भी सीख लो मेरे से, ताकि फिर आपको हमेशा ये याद रहे, क्योंकि ये लाइन सिस्टम बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। अब देखो ये होता कैसे, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, सिंपल, ये बात तो कोई मुश्किल नहीं है, और ये टी बना लिया आपने, लेटा हुआ टी। अच्छा, अब देखो ज़ीरो यहाँ जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं वहाँ ज़ीरो हो गया। अच्छा, उसके बाद ये किस तरह से बढ़ रहा होता है आगे, 0.55 कर आगे बढ़ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 का मतलब क्या है, कैलकुलेटर करके देख लो, 1/2 लेमडा का मतलब है 0.5। अच्छा, अब 0.5 में मैं मज़ीद 0.5 को ऐड करूं तो 1 बनेगा, लेमडा आता रहेगा, वो फेस है तो लेमडा आता रहेगा। अच्छा, अब अगर मैं लेमडा में मज़ीद 0.5 ऐड करूं तो बिल्कुल सही है, 1.5 आएगा। 1.5 किसके बराबर होता है, 3/2 के, कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, 3/2 लेमडा। 3/2 में मैं मज़ीद 0.5 ऐड करूं तो 0.5 मज़ीद ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 2 लेमडा। अच्छा, 2 लेमडा में मज़ीद ऐड करूँ मैं 0.5 तो मेरे पास आएगा 5/2 लेमडा। अच्छा, 5/2 का मतलब है 2.5, ठीक है। तो 0.5 का डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस है, ठीक है। ये इस तरह से लाइन बनती है, हमेशा याद रखना। अच्छा, अब मज़ीद ज़रा आखिरी वैल्यू बता दो कि 0.2.5 है, 5/2 = 2.5, तो 2.5 में मैं मज़ीद 0.5 ऐड कर दूँ तो मेरे पास अगली वैल्यू क्या आएगी, 3 लेमडा, ठीक है। ये लाइन बनाना सीख गए। अब इस तरह मज़ीद जितना चाहो आप 0.5 को आगे ऐड करते रहोगे, आपके पास वैल्यूज़ आती रहेंगी, कोई मसले वाली परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पर बात पूरी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। वेव यहाँ से शुरू हुई, वेव कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, इसको फिक्स रखेंगे हम। देखो याद रखना, आप मैक्सिमम गए 1/2 पर, उसके बाद आप मिनिमम आए लेमडा पर, फिर आप मैक्सिमम गए 3/2 पर और लेमडा पर, ठीक है, और फिर मिनिमम गए, ठीक है। तो 0 से लेके 2 लेमडा तक आपने एक वेवलेंथ, मतलब एक फ्रीक्वेंसी कंप्लीट कर ली है, 1 फ्रीक्वेंसी हो गई है। अब मज़ीद आगे चलते हैं क्योंकि हम आगे भी काम करेंगे। फिर अब हम गए 5/2 पर और फिर हम इधर आके ड्रॉप हो गए, ठीक है। फिर इधर गए और इधर आके हम ड्रॉप हो गए, दो वेव आ गई आपके पास, यहाँ से लेकर, सॉरी 2 फ्रीक्वेंसी की वेव आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 सेकंड में। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हो क्या रहा होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में समझो ये एक वेव बनाई है, इसी को मैं दूसरी वेव यहाँ पे बनाऊँगा। देखो पहली वेव यहाँ पे थी, दूसरी वेव अब यहाँ पे बन गई है। देखो होता क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्रस्ट क्रस्ट से मिले, ट्रफ ट्रफ से मिले। देखो ये चीज़ भी याद रखना, क्रस्ट क्रस्ट से मिले और ट्रफ ट्रफ से मिले, ट्रफ ट्रफ से मिले, ठीक है। क्रस्ट क्रस्ट से मिले, ट्रफ ट्रफ से। अब ट्रफ क्रस्ट क्रस्ट से कब मिलेगा, जब आपकी वेवलेंथ या तो यहाँ से, जब आपकी दूसरी वेव या तो 2 लेमडा से शुरू हो या 0 से शुरू हो, है ना। अगर देखो मैंने यहाँ से शुरू कर दी तो यहाँ से क्रस्ट उठेगा, समझो ये क्रस्ट उठा और यहाँ पर आया, तो क्रस्ट ट्रफ से मिल गया, ये नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि क्रस्ट, ये वाला क्रस्ट दूसरी वेव की भी क्रस्ट से मिले, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, या तो मुझे रखना पड़ेगा 0 या तो रखना पड़ेगा 2 लेमडा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कोई और नंबर रख रहा हूँ तो क्रस्ट क्रस्ट से नहीं मिल रहा, चलो यहाँ आके रख लो, यहाँ आके रख लो, यहाँ से रखो तो देखो यहाँ से भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप यूँ जाओगे, ठीक है। तो 1/2 लेमडा से भी नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं, अपनी वेव को स्टार्ट करते हैं 2 लेमडा से। तो मैंने अपनी वेव को स्टार्ट किया 2 लेमडा से, तो ये मेरा 2 लेमडा आ गया और ये आ गया और ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। देखो ये वेव 1 थी, ये वेव 2 थी, कैसा ज़बरदस्त फिनोमिना देखने के लिए मिला कि ये वाला क्रस्ट ये वाले क्रस्ट से मिल रहा है। अब एग्जांपल करो, इसको उठाओ, इस पूरे सिस्टम को उठाओ और इसके ऊपर रख दो, तो क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस, क्रस्ट क्रस्ट से मिला, ट्रफ ट्रफ से मिला, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। यानी अब जो दूसरी, यानी जो अब इन दोनों के मिलने से
तीसरी वेवलेंथ की लाइट आएगी जो कि बड़ी होगी, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो ये देखो क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ से मिला, तो ये सी है, ये सी है, ये टी है, ये टी है। अच्छा तो फेज डिफरेंस कितने का चाहिए आपको? फेज डिफरेंस चाहिए आपको 2 लैम्डा का, सही है, ये बात तो ठीक है, हमने अभी करके देखा। लेकिन आप यहाँ पे लगा लो m, m लगा लो, m 2 लैम्डा, बुक में भी इन्होंने ऐसे ही रख के दिया हुआ है, बुक का देख लेते हैं। हाँ बुक में बस उन्होंने ये किया हुआ है कि m को बीच में कर दिया, तो हम भी बीच में कर देते हैं भाई, हम भी बुक को फॉलो करेंगे, 2m लैम्डा। अच्छा अब देखो यहाँ 0 रखूँगा तो भी क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा, ट्रफ ट्रफ से मिलेगा। अच्छा अगर यहाँ से शुरू करूँगा तो भी ऐसा ही होगा, क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा, ट्रफ ट्रफ से मिलेगा। अब ये तो बात हो गई फेज डिफरेंस की, पार्ट डिफरेंस की बात करते हैं, चलो पार्ट डिफरेंस पर आते हैं। अच्छा अब इसको मैं बिठा दूँ क्रस्ट क्रस्ट को ट्रफ ट्रफ से, चलो यहाँ बना लेते हैं, आई होप यहाँ बन जाए। अच्छा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ कितना है, लैम्डा है, है ना लैम्डा। तो अगर आपको देखो सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ है लैम्डा, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ्ट लैम्डा बनता है, बात क्लियर हो गई। अच्छा तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस तो हमने देख लिया, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, देखो यहाँ लैम्डा है और यहाँ 0 है, अभी यहाँ से वेव शुरू हुई है तो इसलिए यहाँ लैम्डा कुछ नहीं है, तो पाथ डिफरेंस कितना चाहिए आपको, पाथ डिफरेंस चाहिए आपको लैम्डा, है ना लैम्डा चाहिए, देखो खुद आ रहा है तो लैम्डा चाहिए। अब जस्ट m लगा दो आगे, अब देखना आप ये आगे भी फॉलो होगा, यानी m की वैल्यू अगर 0 होगी, यहाँ पे 0 रखो, वेव यहाँ से शुरू होगी, दूसरी वाली वेव यहाँ से शुरू होगी, तो जब ये वेव शुरू होगी इस तरह से, इस तरह से, तो क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा, ट्रफ ट्रफ से मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर m की वैल्यू 1 रख दोगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा, और 2 लैम्डा तो आपको पता है कि 2 लैम्डा से अगर आपकी वेव शुरू हो रही है, पार्ट डिफरेंस अगर 2 लैम्डा है, तो क्रस्ट क्रस्ट से ट्रफ ट्रफ से फिर मिलेगा, चलो बात क्लियर हो गई। इसी तरह से मैंने वेव लेंथ का भी बता दिया, तो 2m लैम्डा नहीं है, ये हमारा ये है रेडियन है, 2m पाई और m लैम्डा। अच्छा तो ये 1 प्लस का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है, इसी तरह से ये मजीद चलता रहेगा। चलो कंस्ट्रक्टिव तो समझ गए, अब डिस्ट्रक्टिव को भी देख लो ताकि फिर हम वीडियो को रखें ख़त्म। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई, मैंने छोटी रखनी थी, लेकिन ये बात ज़्यादा डिटेल में समझानी थी इसलिए वीडियो बड़ी हुई है। अच्छा चलो डिस्ट्रक्टिव देखो, सेम उसी तरह से वेव बनाओ जिस तरह से पहले बनाई, सेम उसी तरह से वेव बनाओ, देखो इतने डिस्टेंस पर हाफ आपके पास वेव लेंथ आती है, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे खींच गई है, ठीक है, ये आपकी हो गई वेव, आ गई ये आपकी मेन वेव आ गई। अच्छा अब देखो नीचे क्या हो रहा है, दूसरी वेव कैसे आएगी कि आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने के लिए मिले, कि आपकी वेव यहाँ से शुरू हो, लैम्डा से शुरू हो, अगर लैम्डा से शुरू होगी तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो देखो ये आ गया, 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 देखो अब क्या हो रहा है, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, इसको थोड़ा मैं मज़ीद आगे खींच के बना देता हूँ, देखो ट्रफ सॉरी क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है। जब नीचे जाने वाली चीज़ ऊपर जाने वाली चीज़ से मिलेगी तो क्या करेगी, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करेगी, जी सर कैंसिल करेगी, ठीक है। इसी तरह आप मज़ीद आगे चलो, मज़ीद आगे चलो, मज़ीद आगे चलो, मज़ीद आगे चलो, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ क्रस्ट है, यहाँ इसका ट्रफ है, जब इसका क्रस्ट, देखो डिस्ट्रक्टिव के लिए यह है कि क्रस्ट जो है आपके पास, क्रस्ट जो है वो ट्रफ से मिलना चाहिए, तो जब क्रस्ट ट्रफ से मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, यानी वेव ख़त्म कर देगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है, क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है, क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है और ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा है, क्या डिफरेंस पे मिल रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो डिफरेंस आ रहा है आपके पास लैम्डा का, ठीक है, यहाँ 2 लैम्डा आ रहा था, यहाँ लैम्डा का आ रहा है, तो आप लिखोगे लैम्डा, लेकिन सिर्फ लैम्डा नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा m। अब इस ये क्यों लिखा जा रहा है इस तरह से मैं बताता हूँ आपको, ज़रा जगह थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, यहाँ लिखा जा रहा है m प्लस 1/2 लैम्डा, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है ज़रा मैं बताता हूँ आपको, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है ज़रा मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने लैम्डा के लिए लिख दिया 2π
2π। अब होता क्या है, ज़रा देखो, मैंने क्या कहा था आपको, लैम्डा पर अगर आपकी वेव शुरू हो रही है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलेगा। अगर लैम्डा पर वेव शुरू हो रही है तो ज़रा देखो, m की वैल्यू क्या रखोगे आप यहाँ पर, m की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे 1। m की वैल्यू यहाँ 1 रखो तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी m की वैल्यू यहाँ पर रखो 0, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी आपके पास जो इंटीजर है वो 0 होगा, तो यहाँ पर आप 0 वैल्यू रखो। यहाँ आपने 0 रख दिया, क्या हो गया 1/2, तो 1/2 बचा और 2 पाए है, तो 2π से मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाए बच गया। यानी बात प्रूफ हो गई कि अगर लैम्डा पर वेव शुरू हो रही है तो क्रस्ट ट्रफ से मिलेगा और ट्रफ क्रस्ट से मिलेगा। देखो आपके सामने ये पूरा प्रूफ हो रहा है। अच्छा, अब इसी को वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये चीज़ सेम रहेगी, ये वाला फैक्टर, और जस्ट बस लैम्डा आ जाएगा, जिसे मैंने शुरू में भी लिख दिया था, ये पार्ट डिफरेंस होगा। अब कैसे हो रहा है ज़रा मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वेव बनेगी, मतलब वेवलेंथ क्या बनेगी, बिल्कुल सही, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेवलेंथ बनेगी λ/2। अच्छा, यहाँ पर शुरू हो रहा है, 0 रखो, देखो आए 0 रख दोगे तो क्या जवाब आएगा आपके पास, λ/2। देखा आपने, प्रूफ हो गया आपका, ये चीज़ प्रूफ भी हो रही है। तो आई होप आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बहुत डिटेल में जाके मैंने समझाया है, समझ में आया होगा। इसको अपने पास अच्छी तरह से लिखना, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्रस्ट ट्रफ से और कंस्ट्रक्टिव के लिए क्रस्ट क्रस्ट से। अब अगला टॉपिक हमारे पास इसी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसे मैं कराता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में जरूर।